नमस्कार। रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो आप, तो इसमें अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं? आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं? कभी कभी क्या होता है, बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो या आप लिव इन में रहते हो, कभी कभी क्या होता है, एक पार्टनर किसी से बेपनाह मोहब्बत करता है, उसके पीछे पागल होता है और उसको अपने आप उसको सामने वाले को भगवान मानता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अपने पार्टनर की इज्जत नहीं करता है, अपने पार्टनर की वैल्यू नहीं करता है। वो यूं समझता है हाँ यार होगा कोई हो, तो ये सोचकर सामने सामने कभी कभी दुख होता है कि यार मेरा पार्टनर मेरी वैल्यू नहीं कर रहा, मुझे वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा जो उसको देनी चाहिए, मैं क्या करूं? मन दुखी होता है, मन रोने लगता है और अपने आप को अपमानित महसूस करते हुआ कि मेरा पार्टनर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे इज्जत क्यों नहीं दे रहा है, मुझे वैल्यू क्यों नहीं दे रहा है, मैं उसके लिए जी जान उसके लिए हाजिर कर चुकी हूँ, फिर भी वो मुझे अब वैल्यू नहीं देता है, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता है, क्या को होता है? सबके साथ में होता है। कभी कभी एक जना विशेष लगाव रखता है सामने वाले से, अपने बॉयफ्रेंड से, लेकिन अपने पार्टनर से, लेकिन सामने वाला पार्टनर इग्नोर करता है, इतना वैल्यू नहीं देता है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है, इतना महत्व नहीं देता, तब दुख होता है। तो अपने बॉयफ्रेंड को अपनी वैल्यू कैसे समझाए, रिलेशनशिप चाहे कैसी भी हो अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए, सामने वाले को अपनी वैल्यू कैसे समझाए। रिलेशनशिप में अगर आपको वैल्यू बढ़ानी है ना, तो सबसे पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करे और रोना बंद करें। कब माना कि आप सामने वाले के बिना नहीं जी सकते हो, सामने वाले को सब कुछ माना हो, लेकिन आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, रोना बंद करना पड़ेगा। अगर आप बार बार उसके सामने रोओगे और बार बार उसके सामने कमजोर पड़ोगे, तो वो यूं ही सोचेगा यार कुछ नहीं यार, ये तो मेरे पीछे पड़ी रहती है, बस हर बार छोटी छोटी बातें मेरे पीछे पड़ी थी, मतलब आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। सबसे पहले तो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए और रोना बंद करें उसके सामने। जब तक आप रोना बंद नहीं करोगे, वो आपको वैल्यू नहीं देगा, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। छोटी छोटी बातों पर रोना बंद करें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाए। भावनाओं में न बहे, भावनाओं में मत बहना। कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी होता है आपका पार्टनर आपका बॉयफ्रेंड आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है, आपको भावनाओं में बांध, वो आपकी ट्रिक समझता है, अरे यार कुछ नहीं ऐसे तो कुछ ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करूंगा तो ये ब्लैकमेल हो जाएगी, होता है डेफिनेटली होता है। तो क्या आपका पार्टनर भी आपको इमोशनली ब्लैकमेल तो नहीं करता है? भावनाओं में ना बहे, आप भी भावनाओं में बहोगे तो अपने आप को कमजोर कर लोगे और आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करेगा, वो छोटी छोटी बात पर आपको ब्लैकमेल करेगा और आप खो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप तो अपने पार्टनर को अपने बॉयफ्रेंड को सब कुछ मान रखा है, तो आप तो उसके साथ भावनाओं में बहोगे और आप अपनी वैल्यू कम कर दोगे। भावनाओं में ना बहे, इमोशनली ब्लैकमेल कभी ना हो, सामने वाला आपको इतना इमोशनल कर दे कि आप सब कुछ उसके लिए कर जाओ, ऐसा कभी मत होना। ऐसा अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखे, बॉयफ्रेंड या पार्टनर के छोड़ जाने का डर मन में मत रखे। अधिकतर क्या होता है, अधिकतर लड़कियों के लिए मन में यही होता है कि यार मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चले जाएगा मैं क्या करूँगा, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के चला जाएगा मैं क्या करूँगी। अगर ये बात आपके मन में भी रहती है ना, तो ये डर आपका सबसे बड़ा डर साबित होता है और यही डर सामने वाले के लिए प्लस पॉइंट होता है। इस कारण से वो आपकी इज्जत नहीं करता, क्योंकि आप तो हर छोटी छोटी बात पे डरते हो, वो कुछ भी बात कहेगा आप उसकी हाँ में हाँ मिलाओगे, वो कुछ भी आपको टॉर्चर करेगा आप सहते जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में डर रहेगा कि कहीं ना कहीं वो मुझे छोड़ के नहीं चला जाए, आप उसकी ज्यादतों को सहते जाओगे, आप उसके अत्याचार को सहते जाओगे, आप उसके अपमान को सहते जाओगे, तो फिर आपकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी, तो फिर आपकी इंपॉर्टेंस दूसरों के सामने कैसे बढ़ेगी। पार्टनर छोड़ के जाए तो जाने दे, बॉयफ्रेंड छोड़ के जाए तो जाने दे, जिंदगी जीने का इसी का नाम है। आप कब तक उसके पीछे दौड़ते रहोगे, आप कब तक उसके चक्कर लगाते रहोगे,
आपको अपनी जिंदगी तो बनानी है, आपको अपना करियर तो बनाना है, तो ये डर मन से निकालना करिए। ये डर आपके मन में रहेगा ना, तो आपका पार्टनर आपकी कभी वैल्यू नहीं करेगा, आपकी कभी इज्जत नहीं करेगा, आपको कभी इंपोर्टेंस नहीं देगा। तो ये डर अपने मन में मत निकाल, अपने काम को ज्यादा वैल्यू दे। कभी कभी क्या होता है, आपके पार्टनर ने या आपके बॉयफ्रेंड ने फोन किया, लो आओ यार आज वहाँ चलते हैं यार, फट आप अपने काम को छोड़ के चले जाते हो और छोटी छोटी बात भी आपको फोन करता है, जैसे आप ऑफिस में बिजी हो आपको फोन करा रहे हैं यार मैं फ्री हूँ चलो बातें करते, या फिर चलो आओ कहीं लंच करते, आप अपने काम को छोड़कर उसके पीछे चले जाते। काम अपनी जगह है, आपका पार्टनर आपकी जगह है और आपका बॉयफ्रेंड आपकी जगह है, अपने काम को वैल्यू देना। इन ए प्रेजेंट टाइम लोग काम को वैल्यू देते हैं, अगर आप अपने काम को वैल्यू देंगे तो आपका पार्टनर ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू समझेगा, ऑटोमेटिक आपकी इज्जत करेगा, ऑटोमेटिक आपको सम्मान देगा। आप तो उसके प्यार में पागल हो रहे हो और आप अपने काम को साइड में कर रहे हो, तो व्हाट इज दिस? प्यार की खुमारी तो थोड़े दिन में उतर जाएगी, लेकिन आपका काम आपके जिंदगी पर साथ रहेगा, वो आपको वैल्यू दिलाएगा। तो इतना भी प्यार में पागल ना हो अपने काम को छोड़ दें और उसके पीछे पीछे दौड़ते फिरें, नहीं, अपने काम को वैल्यू दे, तभी सामने वाला आपकी इज्जत करेगा, तभी सामने वालों को आपको इंपोर्टेंस देगा और तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, वरना आपकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी? हमेशा आप सॉरी ना बोले, कभी कभी यह क्या होता है कि आप किसी से अथाह प्यार करते हो और उसके प्यार में पागल हो, तो छोटी मोटी कुछ भी गलती होगी, भले सामने वाला पार्टनर गलती कर रहा है, भले आपका बॉयफ्रेंड आपकी गलती कर रहा है, लेकिन आप सॉरी बोलोगे, कुछ भी हॉट टॉक भी होगी, कुछ छोटी मोटी बात भी होगी, तो आप सॉरी बोलोगे, उसको मनाओगे। क्या हर छोटी छोटी बात पर आपको सॉरी बोलना जरूरी है? क्या आपने कोई गलती नहीं की तो भी आपको सॉरी बोलना जरूरी है? अगर आप छोटी छोटी बात पर सॉरी बोलोगे, हर बात पर उसको मनाने की कोशिश करोगे, तो आपकी वैल्यू कहां गई, आपकी इज्जत कहां गई? सामने वाला आपकी इज्जत क्यों करेगा? वो तो कहेगा कुछ नहीं यार, अभी थोड़ी देर गुस्सा हुई है, आ जाएगी मेरे पीछे पीछे, एक दिन दो दिन कितना गुस्सा रहेगी मेरे को, उसको पता है, आप तो मनाने जाओगे, आप तो सॉरी बोलोगे, उसको तो पता है, वो आपको टॉर्चर करेगा, वो दो बात आपको सुना जाएगा, आप सुन जाओगे, क्योंकि सॉरी तो आपको ही बोलनी है। ऐसा कभी ना रखें, सही बात पर सही बात करें, जिसमें आप गलत ना हो उस बात के लिए सॉरी ना बोले, वरना कभी कभी क्या होता है कि गर्लफ्रेंड हो या कोई पार्टनर हो, रिलेशन बचाने के लिए बात बात पर सॉरी बोलते हैं। ऐसा कभी ना करें, ऐसा ठीक है आपका रिलेशन बच जाएगा, लेकिन आपकी वैल्यू कहां जाएगी, आपकी इज्जत कहां जाएगी और आपका आत्मसम्मान कहां जाएगा? आपका आत्मसम्मान तो खत्म हो जाएगा बार बार आपके सॉरी कहने से, उसकी हर बात में हां से हां ना मिला है। आप अपने पार्टनर से अथाह प्यार करते हो, आपका पार्टनर गलत बात कर रहा है, तो क्या आप भी उसके साथ में गलत बात करोगे? नेवर। आप उसे कितना ही चाहते हो, कितना ही आप दिलो जान से प्यार करते हो, लेकिन उसकी हां में हां मत मिलाना। जब आप उसकी हर बात में हां मिला दोगे, तो कभी ऐसा भी आएगा वो बिना पूछे कुछ भी करके आ जाएगा और क्या कहेगा, अरे यार मेरा पार्टनर, मेरी गर्लफ्रेंड या मैं जिसके साथ ली उन पर, वो तो मेरा हमेशा ही साथ है, मेरी किसी भी बात को टाल नहीं सकता, वो हर बात में हां मिलाएगी, क्या मिलाएगी? आप गलत करोगे तो भी वो आपके साथ में रहेगी, अगर आप ऐसा करते हो तो फिर वो आपकी इंपोर्टेंस सामने वाला क्यों करेगा? वो तो समझेगा, अरे यार मेरी हाँ, मेरी हर बात में हाँ करती है। हर बात में हाँ ना कर, हर बात को सोचे समझे और सही को सही कहे और गलत को गलत कहे, तब तो आपका आत्मसम्मान जिंदा रहेगा, वरना तो क्या, आपकी वैल्यू तो खत्म होनी है अगर आप हर बात पर हाँ कहोगे उसकी, वो गलत बात पर भी आपको हाँ कराएगा, सही बात पर भी हाँ कराएगा, तो फिर मतलब क्या है, गलत और सही का मतलब क्या है? इसलिए हर बात में हाँ ना मिला। अपने आप को बिजी रखें, सबसे पहले तो आप हर वक्त उसके लिए उपलब्ध ना रहे, अपने पार्टनर के लिए, आप गर्लफ्रेंड हो या आप लिव इन में रह रहे हो, हर वक्त अपने पार्टनर को उपलब्ध ना रहे। मैंने पहले ही बताया, अगर आप हर वक्त उसके लिए उपलब्ध रहोगे ना, कोई भी किसी भी रिलेशन में जाओ, आप समाज में जाओ या आप बिजनेस के क्षेत्र में जाओ या अपने दोस्तों के फील्ड में जाओ या किसी भी जगह जाओ, अगर आप हर वक्त उपलब्ध रहोगे तो आपकी इंपॉर्टेंस कैसे होगी?
आप गर्लफ्रेंड हो और अगर आप हर वक्त अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करते रहते हो, हर वक्त उनको हालचाल पूछते रहते हो, हर वक्त उसके लिए उपलब्ध रहते हो, वो तो यूँ ही कहेगा अरे यार कुछ नहीं फ्री है, बैठी रहती है और हर वक्त फ़ोन करती रहती है, हर वक्त मेरे को परेशान करती रहती है, वो दूसरे के सामने आपकी मजाक उड़ाएगा। फिर आपकी वैल्यू कहाँ गई, आपकी इज्जत कहाँ गई, आपकी इंपॉर्टेंस कैसे कहाँ गई। अपने काम में बिजी रहें, हर चीज़ का समय होता है, 24 घंटे प्यार में पड़े रहना भी वो कोई मतलब का नहीं होता है। काम तो काम होता है, काम भी तो करना पड़ेगा। क्या 24 घंटे प्यार में पड़े रहकर आप सब कुछ पालोगे जीवन में? नहीं, काम तो काम करना पड़ेगा। इसलिए हर वक्त आप बिजी रहें, हर वक्त अपने पार्टनर के लिए फ्री न रहें।